उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग फेस्टिवल का आयोजन महोबा में किया जाएगा और ऐसे ही आने वाले समय में दुधभा करतनिया घाट पीलीभीत और लाइन सफारी में फेस्ट का आयोजन करके देश विदेश के पर्यटकों को उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म में आकर्षित किया जाएगा। बर्ड एंड नेचर फेस्टिवल में पहुंचे मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि महोबा जिले में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बर्ड एंड नेचर महोबा जिले में 3 दिनों तक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। बर्ड फेस्टिवल का आयोजन 3 दिवसीय महोबा में होने वाला है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह। सर, जिस तरीके से 3 दिवसीय महोबा में फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है, किस तरीके का आयोजन? देखिए, हमारे देश के जाने माने तमाम पर्यावरणविद, तमाम टूर ऑपरेटर्स और तमाम ऐसे लोग जो हमें पर्यावरण की दृष्टि से प्रकृति के साथ जोड़ने का काम कर सकते हैं, जो पर्यटन को बढ़ावा देने का काम कर सकते हैं, तमाम बोलो 25-30 लोग हमारे यहाँ 31 तारीख से लेकर 5 तारीख तक बुंदेलखंड होते हुए बनारस तक, आगरा से शुरू होंगे वो, आगरा, इटावा, महोबा, बांदा, प्रयागराज से बुंदेलखंड तक के यात्रा करेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे, जगह जगह देखेंगे, सांस्कृतिक रूप से उनको जोड़ा जाएगा और जुड़ते हुए देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश का पर्यटन की दृष्टि से, प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से बहुत संदेश देने का काम करेंगे और सुझाव भी देने का काम करेंगे। तमाम तरीके के बर्ड जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रहे हैं, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार महोबा में 3 दिवसीय के जिस तरीके से आयोजन कर रही, आगे भी क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस तरीके का करके? निश्चित रूप से सतत रूप से कार्यक्रम चलते रहेंगे और प्रयास जारी रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ मंत्री जयवीर सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना था उत्तर प्रदेश में लगातार जो बर्ड फेस्टिवल दिवस 3 दिवसीय महोबा में मनाया जा रहा है, तो तमाम तरीके के जो बर्ड जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रही हैं, उनको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार काम करेगी, उसको बढ़ावा देने के लिए तमाम जो इस तरीके के कार्यक्रम कर रही उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका। लखनऊ से एमके न्यूज़ के लिए अविनाश।